सो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि हाउ टू राइट गुड क्वालिटी आंसर्स इन द ओपन बुक एग्जामिनेशन 2020। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, जिस दिन आपका जिस पेपर का भी या जिस सब्जेक्ट का भी एग्जाम है, सबसे पहले आपको एग्जाम देने से आधे घंटे पहले लॉगिन कर लेना है अपने एग्जाम रोल नंबर और पासवर्ड के थ्रू ड्यू के एग्जाम पोर्टल, जिसकी वेबसाइट है obe.du.ac.in। उसके बाद जब जैसी क्वेश्चन पेपर आपका आपके पोर्टल पर रिलीज होगा, जहाँ से आप एग्जाम लिखेंगे, वहां पे आपको पहले डाउनलोड करना है पेपर को, फिर पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद देन आपको चार क्वेश्चन करने हैं, छह क्वेश्चन टोटल एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें से कि आपको चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जो रेगुलर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर तो 75 मार्क्स के आएंगे, और जो एसएल या एसएल में हैं उनके 100 मार्क्स का पेपर आएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें आप क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ना है, एंड देन इसमें जो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, ऐसा ना करें कि क्वेश्चन में कुछ भी जो भी पूछो और आपने कुछ भी लिख दिया, तो इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। और दोस्तों, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बतलाने वाला हूँ, जो कि निम्न है। सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ पेजेस। कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि हमें आंसर्स कितने पेज में लिखने हैं, तो दोस्तों इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये डिपेंड करता है कौन से सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं आप। जैसे मान लो, सपोज थ्योरेटिकल पेपर है पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, मान लो इसमें एक क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो इसमें कम से कम आपको 5-6 पेजेस लिखना है, और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे 6 होंगे, जिसमें से कि आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन ऑल। ओके फ्रेंड्स, और फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अगर कोई आपका लैंग्वेज आपका कोई अगर लैंग्वेज पेपर है, जैसे हिंदी या इंग्लिश, अगर उसमें वर्ड लिमिट दिया हुआ है, तो आपको उसका ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट से ज्यादा आंसर लिखोगे या उससे कम भी लिखोगे, तो आपके मार्क्स बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन इसीलिए सेट क्वेश्चन मतलब अपने हिसाब से सेट करता है, ताकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से ही स्टूडेंट्स को आंसर देना होगा, और इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। पॉइंट नंबर थ्री, जो आप आंसर लिखने वाले हो उसको ठीक से रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम में जो आपका आंसर होता है, आपको नॉलेज जो होता है, आपके पास जो नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करना होता है। एग्जामिनर ये चेक करेगा कि आपने पूरे साल में क्या पढ़ा है, ठीक है, आपको मतलब कंसेप्ट लिखना है। और इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि आपको आंसर का एक स्ट्रक्चर बनाना है पूरा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, और मतलब एक पैराग्राफ में, पूरे एक पेज में आपको इंट्रोडक्शन डालना है, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन एक पेज में पूरा लिख देना है। फिर नेक्स्ट पेज में आता है बॉडी। बॉडी में आपको जो आंसर है उसका पॉइंट टू पॉइंट लिखकर एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लीजिए आया कि क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आगे हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, तो आपको उससे पहले ये लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता मतलब कहाँ पाया गया था, इसकी खोज किसने की, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद बॉडी में जो बताएंगे कि मतलब इसका पूरा डिटेल देंगे कि यहाँ कहाँ पाया गया था, और जो भी डिटेल है, लाइक इसका पतन कैसे हुआ, ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ, ये आपको हो गया बॉडी में। एंड देन आपको कंक्लूजन लास्ट में डालना है, ठीक है दोस्तों। और आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो रिसर्च स्कॉलर है उन्होंने इस पे अपने क्या थॉट्स दिए, क्या क्या उन्होंने रिसर्च किया। तो आपको बॉडी को तो एक्सप्लेन करना ही करना है, फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन डालना है।
ठीक है, जिसमें कि आप अपने जो पूरा आंसर लिखे हैं बॉडी में उसको आप समराइज करते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करते हैं वो आपके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा है, दोस्तों आपको मार्क्स संभव है कि पूरे के पूरे मिल जाए। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आपको दोस्तों नए विचारों को भी आंसर आपके अपने जो आप थॉट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, या मान लीजिए कुछ करेंट इवेंट्स आ गए जो आप करेंट इवेंट्स मतलब घटित हो गए, जो कि आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिससे कि मतलब करेंट्स में कोई घटना हो रही है और आप उसको भी इसमें कोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो दोस्तों आप आंसर लिख रहे हैं उसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको आप सब ब्लैक या ब्लू पेन से अंडरलाइन करें, ताकि आपका आंसर जो है हाईलाइट हो सके और एग्जामिनर आपके आंसर के वो जो मेन पॉइंट है उनको पढ़ते ही आपके मार्क्स को तुरंत दे देगा। फिर आंसर को लिखते वक्त मतलब आंसर को लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें, जैसे कि पंचायती राज है उसमें ग्राम सभा और क्या आता है ग्राम सभा और जो भी आता है ब्लॉक लेवल पर होता है, विधानसभा होता है, तो दोस्तों यही सब है। तो आप डायग्राम बना के भी आंसर को लिख सकते हो, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। और दोस्तों जो आप आंसर को हाईलाइट करेंगे वो ब्लैक या ब्लू पेन से ही करें, सॉरी ब्लैक पेन और या पेंसिल से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और देन लास्ट वन इज जो सबसे इंटरेस्टेड है और कहूँ तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कि आपके जो भी सब्जेक्ट है उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप उसके आंसर्स आप एक जगह लिख कर रख लें, ताकि जैसे पेपर आपके स्क्रीन पे आएगा पोर्टल पे मतलब, तो आपको आंसर ढूंढने में ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, आप तुरंत उसी आंसर को देख के आप आंसर दोबारा लिख सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, धन्यवाद।